रोहित और मैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। औकात दिखा दूंगी उसे उसकी। ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। माया की माया पूरी दुनिया पे चलती है। मेरे पाँव में बेड़ियाँ डालते डालते आपने मुझे रास्ता दिखा ही दिया। प्यार में इतना इंतजार क्यों करा रही हो? शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न। जिस दिन अनुपमा पैदा हुई थी मेरे मन में उसके लिए जितनी नफरत थी वो आज भी है। अगर आज के बाद अनुपमा दीदी के साथ कोई भी ऐसी वैसी बात की तो मैं सगे सौतेले अपने पराए बड़े छोटे हर चीज का लिहाज भूल जाऊंगा। मेरी बेटी रिद्धिमा बड़ी शरीफ है। I love you. अरे माया क्या हो गया, रुक क्यों गए, खेलो ना। नहीं मुझे कुछ काम है। अब एग्जाम सर पर आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्लासेस तो होंगी। अच्छा एक्स्ट्रा क्लासेस? ऐसे कौन सी एक्स्ट्रा क्लासेस है जो क्लासरूम के बजाय गार्डन में हो रही थी? पूछ रहे तुझसे कुछ मैं? आज मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तेरी एक्स्ट्रा क्लासेस को। हिम्मत तुम ओहो वो क्या कर रही है माया पुत्र? अरे मैं मुझसे नहीं इस लड़की से पूछो, आज सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्लासेस के बहाने ये एक अनजान लड़की के साथ घूम फिर रही थी, ऐश कर रही थी। अरे क्या क्या सपने सजाए थे हमने तेरे लिए और तू कहते हुए भी घिन आ रही है मुझे। अरे मैं एक लड़की के साथ उसके बाहों में बाहें डाल के उसके कंधे पे हाथ रख के बता रही थी मैं, कब से हमें पागल बना रही है तू? कब से चक्कर चल रहा है ये? पूछे मां पूछे से बता दे, बोलती क्यों नहीं? तुम कौन है वो लड़का तुझसे पूछ रही हूँ मैं? ओ रुक, वो मोहित है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। नहीं ओए रुक, चुप, मुझे पूछ लेने दे। रिद्धिमा पुत्र इधर आ, इधर आ। ना मुझे बता ना तू उस लड़के को बहुत चाहती है? जी नानी जी। और वो लड़का भी तुझको बहुत चाहता है? जी नानी जी। अच्छा वैसे वो करता क्या है? वो ग्लोबल कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अरे मां मंदी मारी गई इस लड़की की, पागल हो गई। अरे हम चैतन्य जैसे इतना करोड़पति लड़का इसके लिए सोच रही है और ये मोहित जैसे मिडिल क्लास कंगाल लड़की के पीछे पड़ी हुई है। अरे चैतन्य मोहित जैसे 100 लड़कों को अपने ऑफिस में नौकरी दे सकता है, समझी तू? अरे मां हम चाहते ये रानी बने और ये नालायक नौकरानी बनने के सपने देखे जा रही है। मोहित और मैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए। हम
प्यार से बड़ी इस दुनिया में और कोई दौलत नहीं है। एक लड़की ये सारी बातें कहने सुनने और पढ़ने में ही अच्छी लगती है, अगर शादी के बाद पैसा ना हो तो प्यार व्यार सब खिड़की से फुर हो जाता है। तो आज के बाद इस मुल्क से मिलेगी नहीं। लेकिन नहीं तो कुछ नहीं बोलेगी, उस लड़के से नहीं मिलेगी तो समझे। चलो माँ। लेकिन चैतन्य हम जा कहाँ रहे हैं? बताओ तो सही। ये रहा आपका प्राइवेट केबिन। कम ऑन बैठो। देखो देखो नहीं, शुभकामना है। ये तस्वीर तुम्हें हर वक्त प्रेरणा, हौसला और आशीर्वाद देगी। तो मैडम संभालिए अपने इस केबिन को और हमें इजाजत दीजिए। अनुपमा इस प्रोजेक्ट के लिए ऑफिस में काम करेगी, वो मेरे सामने नहीं आएगी।
कब आया पुत्र? ये मनोज अनुपमा तो अब हमारे हाथ से गई। ना देख तो सही कितनी देर हो गई है, अभी तक ऑफिस से नहीं लौटी। क्यों लौटेगी? ऑफिस में तो इसकी ऐश हो रही होगी ना, ऐश। अरे माँ, तुम इस अनुपमा की चिंता मत करो, तुम आने तो दो उसे ऑफिस से, औकात दिखा दूंगी उसे उसकी। वैसे भी ऑफिस तो 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। वो आ गई। What can I get for you? Some water? Some cold drink perhaps? आप बहुत थक कर आई होंगी, कुछ कुछ ठंडा गरम। वीर, अनु, लो जी, ऐसे बैठिए। की गल है? आज बड़ी सेवा हो रही है दीदी की। कैसी हो अनु? अरे कमाल है, आप इन्हें अनु कैसे बुला सकती हैं? अगर आपको इन्हें बुलाना है तो बुलाइए मिस अनुपमा द डिजाइनर। कुछ समझी नहीं। हेलो, ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज, और आपको अब तक नहीं पता? अनुपमा दीदी अब टैट के एक प्रोजेक्ट में एज डिजाइनर काम कर रही है। और हाँ, आज के बाद अगर आपको उनसे मिलना हो तो प्लीज अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा। वीर, ठीक है, आगे से याद रखांगी। अच्छा मुझे ये बता, आज तो बिना अपॉइंटमेंट के मुझे वक्त मिलेगा कि नहीं? अब तुम दोनों मजाक करना बंद करो। देख तो सही माया पुत्र, किस तरह से ये मनोज खीखी खीखी करके हंसे जा रही है, हैं? और ये हमारा वीर खोता, किस तरह से उसकी तरीफों के पुल बांध के उसे अपने सिर पे बढ़ाए जा रहा है। माया पुत्र, तू मान ना मान, अब ये मनोज निकल गई हमारे हाथ से। हाँ माँ, मुझे इस अनुपमा की चिंता बिल्कुल नहीं है। चिंता हो रही है तो अपनी रिधिमा की हो रही है, क्योंकि वो मुझे हाथों से निकलती हुई नजर आ रही है। माँ, रिधिमा जब चैतन्य के साथ बाहर जाती है तो कहीं उसे भी इसी तरह बेवकूफ तो नहीं बनाती? माया पुत्र, इस बात का पता कैसे चल रहा है हमें? एक बात बता, जब रिधिमा तेरे और चैतन्य के साथ घूमने गई तो क्या हर वक्त तुम लोगों के साथ ही थी या कहीं और चली गई थी? बता। अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है, बता ना। क्या रिधिमा कहीं जाती थी? बोल ना। अनुपमा, तुझसे पूछ रही हूँ मैं। माँ, वो माँ, वो माँ क्या, बता ना, बहरी हो गई क्या? मेरी तरफ देख, बता रिधिमा कहीं जाती थी कि नहीं? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी ऐसी निकलेगी। पुत्र, रिधिमा की मुझे फिक्र नहीं है, उसे तो हम संभाल लेंगे किसी भी तरीके से। फिक्र तो मुझे इस लड़के चैतन्य की हो रही है। इतना पढ़ा लिखा होनहार अमीर माँ बाप का लड़का, ना कहीं ये ना हमारे हाथ से निकल जाए रिधिमा के लिए। देखो ना माँ, माया की माया पूरी दुनिया पे चलती है, मगर अपनी बेटी के सामने कुछ समझ में नहीं आता। धीरज रख, देख लोहे पर वार तभी किया जाता है जब वो चंगी तरह से गर्म हो जाए, इसलिए कि उसे मोड़ने में आसानी होती है। दामाद जी के मूड को तो तू अच्छी तरह से जानते है, बस सही मौका देखकर चैतन्य की रिधिमा के साथ शादी की बात उनके कानों में डाल दे।
वो बात उनके कानों से दिल में जाएगी, दिल से दिमाग में जाएगी, तो बस रिश्ता पक्का हुआ समझो। ओ पुत्र याद रख इस बात को, टेंशन लेने की चीज नहीं होती, देने की चीज होती है। वैसे पुत्र ये जो हमारी रिद्मा है ना, ये अनुपमा की तरह भोली भाली और सिद्धि सादी लड़की नहीं है कि इसे हम डांट फटकार के और वो कहते हैं डरा धमका के हम समझा लेंगे। जवान जहान है, सुंदर है, और ये तो तुझे पता ही है माया पुत्र के जवानी में तो पैरों में पंख लग जाते हैं, और ऊपर से कहीं अगर इश्क की हवा चल रही हो तो बस समझो सवा सत्यानाश। न माया पुत्र राम झूठ ना बुलाए, भाई भगवान ना करे अगर हमारी रिद्मा घर से भाग भाग गई तो। थैंक्स नानी, मेरे पाँव में बेड़ियां डालते डालते आपने मुझे रास्ता दिखा ही दिया अपने मोहित के पास जाने का। अब बस ये चिड़िया खुर समझो। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, मम्मी और नानी ऊपर बातें कर रही हैं। बस यहीं से फोन कर लेती हूँ। गॉड, अभी बद्री काका कब जाएंगे यहाँ से? बद्री काका, आया। हेलो। हेलो मोहित। हाँ रिद्धिमा। मोहित, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। जरूरी है? पर हुआ क्या है? फोन पर नहीं बता सकती, मुझे आधे घंटे में सनशाइन रेस्टोरेंट में मिलो। आधे घंटे में? पर रिद्धिमा, पर कुछ नहीं, आधे घंटे में सनशाइन रेस्टोरेंट पहुंच जाओ, ओके? ठीक है, ठीक है। इतना नाराज कैसे हो डार्लिंग? पहुंचता हूं, ओके? और एक और बात करनी थी। हाँ, बोलो। आई लव यू। आई लव यू टू। जाने मन जाने जा, इतना क्यों तड़पा? प्यार में इतना इंतजार क्यों करा रही हो?